इस वीडियो में बात करेंगे वन प्लस 11R 5G के हवाले से। इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट प्राइस बताऊंगा आपको पाकिस्तान इंडिया के अंदर, एंड यहां पर इसकी ऑफिशियल इंटरनेशनल लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है वो भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच करनी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता चलूँ लॉन्च के हवाले से कि इंटरनेशनली लॉन्च किया जा रहा है 7th of Feb को, ठीक है। तो 7 फरवरी को रिलीज़ किया जा रहा है ये डिवाइस। जहाँ तक बात कर लें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होता, तो इम्पोर्ट हम करेंगे मोबाइल जैसा कि इम्पोर्ट होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर लूँ इंडिया में कि इंडिया में कब आ रहा है। देखें इंडिया में भी जब इंटरनेशनल आएगा साथ में इंडिया में भी आ रहा है ये 7 फरवरी को ही, ठीक है। और एक और चीज़ बताता चलूँ जहाँ तक बात कर लें प्राइसिंग की, कि पाकिस्तान में क्या प्राइस आ सकती है इस डिवाइस की। प्राइसिंग इसकी कुछ बनेगी 1,70,000 1,50,000 के करीब। तो इसकी पाकिस्तान में लगभग यही प्राइस बन रही है। मैं इंटरनेशनल करेंसी डायरेक्ट पाकिस्तान करेंसी में कन्वर्ट की तो 1,45,000 रुपीज़ प्राइस बनी इसकी पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं आ जाता हूँ इंडिया के ऊपर, इंडिया में क्या प्राइस बन रही है। इंडिया में यही कहा जा रहा है लगभग 43,000 से 48,000 तक इसकी प्राइस आ सकती है। बट यहाँ पर एक वेबसाइट क्लेम कर रही है कि इसकी प्राइस आएगी 45,499 रुपीज़, ठीक है। लस्सी की क्या प्राइस आती है इंडिया के अंदर। अभी हम चलते हैं स्पेक्स के ऊपर, देखते हैं क्या स्पेक्स हैं। ये है इसकी कुछ अनऑफिशियल अनकन्फर्म स्पेसिफिकेशन। अभी यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 5G मोबाइल है, अनाउंस किया जाएगा 7th of Feb को। और यहाँ पर वेट और डायमेंशन कुछ भी अवेलेबल नहीं। ग्लास फ्रंट एंड बैक, सॉरी ग्लास फ्रंट मिल जाएगा, प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ आ जाएगा। डुअल नैनो सिम मिल जाएगी, यहाँ पर फाइन एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगा विद 1 बिलियन कलर के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट, एंड 6.7 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी विद 687.6 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी FHD+ जो कि 1080p/2412 होगी। और अभी PPI की बात कर लें तो 394 PPI मिल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन OS 13 बेस ऑन एंड्रॉयड 13 मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन का यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाएगा, फ्लैगशिप प्रोसेसर है 8+ Gen 1, ठीक है। ये 8 Gen 2 का यहाँ पर प्रीडिसेसर है। अभी यहाँ पर बात कर लूँ इसके यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट की, तो मेमोरी कार्ड स्लॉट मौजूद नहीं है। 8 GB रैम एंड 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, बड़ा वाला वेरिएंट मिल जाएगा 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ बेस ऑन UFS 3.1। अभी मैं आपको रैम की बताता चलूँ कि रैम कौन सी आने वाली रैम हो सकता है इसमें LPDDR4X रैम आ जाए। लस्सी की कौन सी रैम आती है, बट ये भी हो सकता है LPDDR5 रैम आ जाए। लस्सी कौन सी रैम आती है। अभी यहाँ पर बात कर लें कैमरास की, तो 50 MP का मेन सेंसर विद F1.8 अपर्चर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा मेन सेंसर के अंदर। ओनली 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो सेंसर मिल रहा है। 4K बना लेगा 30 FPS और सेल्फी कैमरा मिल जाएगा हमें 16 MP का F2.4 अपर्चर के साथ। ये बनाएगा ओनली 1080p वीडियो। स्टीरियो स्पीकर मिलने वाले हैं, 3.5 mm जैक नहीं होगा, ब्लूटूथ 5.2, टाइप सी 2.0, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अल्ट्रासोनिक वाला नहीं होगा सिंपल वाला होगा, और 5000 mAh बैटरी देख सकते हैं। यहाँ पर 100W की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, 0 to 100% हमारा मोबाइल जस्ट 25 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट इसकी स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पर इसके मुतालिक जैसे ही कुछ कंफर्म होता है कि पाकिस्तान में आ रहा है किस प्राइस में आएगा, PTA अप्रूव और नॉन PTA, मैं सबको बताऊंगा आपको इसी वीडियो अगली वीडियोस में। तो आपने चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के मुतालिक कुछ सवाल रह गया तो मुझे कमेंट्स करें पूछ लें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।